चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 3 फरवरी है 2024। मैंने पिछला वीडियो आपको दिया था 4 दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि फरवरी आते ही आते कुछ विनाशकारी होगा, परिस्थितियां एकदम विपरीत होंगी। और आप देख रहे होंगे कि मंथ के शुरू होते ही इतनी भीषण परिस्थितियां बनने लगी हैं, विकराल परिस्थितियां बनने लगी हैं कि यह लगने लगा है कि बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो इसी बारे में आज मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही साथ आगे भी आपको जल्दी वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे दूंगा, क्योंकि कुछ बहुत बड़ी घटनाएं आगे दिखाई दे रही हैं। तो ये वीडियो जो है महातांडव हैज बिगन, महातांडव। आप देखोगे इंग्लिश में इसका कोई प्रॉपर सूटेबल आपको मीनिंग नहीं मिलेगा, हिंदी इसीलिए कहते हैं बहुत इनरिच्ड है, बहुत अमीर है, संस्कृत उससे भी ज्यादा अमीर है। तो हिंदी में महातांडव इसका मतलब है कि परिस्थितियां जो है वो और ज्यादा विकराल की तरफ जा रही, महातांडव, तांडव फिर महातांडव। स्थितियां खराब होने वाली हैं, हो चुकी है शुरुआत उसकी, वही इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा मैंने पहले बताया था। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। ग्रुप्स में शेयर करिए, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो क्या परिस्थितियां बनी और क्या मैं क्यों ये वीडियो लेके आया हूं, तो ध्यान से सुनिए। एक बहुत ही पहली महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई फरवरी में, जनवरी खत्म होते ही हुई रादर, और वो क्या थी, वो ये थी कि रूस का एक बहुत बड़ा जो वॉर, जिसको आप कहते हो पोत, युद्ध पोत, वो डुबो दिया गया। बहुत बड़ी घटना है ये, क्योंकि रूस के पास केवल ऐसे 3 पोत हैं, उसमें से एक को डुबो दिया गया जो कि काला सागर में था, और कहा जाता है यूक्रेन की तरफ से उसे सिंक कर दिया गया। और ये हथियार जो दिए गए थे वो नाटो की तरफ से दिए गए थे, कुछ खास कंट्रीज के द्वारा। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये हो गया कि ये एक बहुत बड़ी घटना है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि बहुत बड़ा पोत जब डूबेगा तो वहां से घटनाक्रम और खतरनाक होगा। तो ध्यान रखिए, यह साधारण घटनाक्रम नहीं है। और रूस जबरदस्त प्रतिक्रिया देगा, देखना आप, और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को तबाह कर देगा। कोई बहुत बड़े हथियारों का प्रयोग कर सकता है, बहुत ज्यादा वहां पर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकता है जहां आप देखेंगे कि हर तरफ बर्बादी 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 दिखाई दे सकती है। और यह एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है रूस के परिप्रेक्ष्य में। ध्यान रखिए, रूस के अगेंस्ट कुछ और भी आक्रमण हुए हैं इसी 2-3 दिन में, और रूस इसका जबरदस्त रूप से, ध्यान रखना, बदला लेने वाला है। घटना नंबर 2 जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जाके देख सकते हो आप, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने बताया था कि 2 या 3 दिन में अमेरिका का पलटवार होगा। 85 जगह पर इराक में और सीरिया में अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी की है, जो B-2 उनके हैं, जिसको आप बम्बरसक कहते हो, उनके द्वारा, और बहुत बड़ी तबाही की है। बहुत क्षेत्र में उसने बम डाले हैं इराक में और सीरिया में, और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है, यह भी चलेगा आगे। इसमें सीधा ईरान को भी निशाना, आगे की जो समय आ रहा है, कालखंड आ रहा है, उसमें ईरान को भी डायरेक्ट इसमें एक एम, एक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट बनाया जा सकता है, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो समझ लीजिए वॉर कहां जा रहा है, जो मैंने कहा महातांडव हैज बिगन। घटनाएं सुनते जाइए। तो पहली घटना मैंने आपको बताई जहां उसका बहुत विशालकाय पोत डुबोया गया, जिस पर कई तरह की मिसाइल्स थी, एंटी शिप मिसाइल्स भी थी। दूसरा मैंने आपको बताया कि यह जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ कि यहां पर अमेरिका ने
सीरिया और इराक में जबरदस्त बमबारी की और इसका प्रतिघात होगा अमेरिका पर, फिर हमले होंगे अमेरिका के, जो वहां पर इन्होंने अपने बनाए हुए हैं अलग अलग जगह पर सैनिकों के लिए स्थल बनाए हुए हैं, अपने इन्वेंट्री को रखा हुआ है वहां, फिर इसका दोबारा से रिटेलिएशन होगा और ये स्थितियां बढ़ने वाली हैं। इसका मतलब वहां से भी परिस्थितियां विपरीत हो रही। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट सुनिए, यहां से आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दुनिया के देश नए खतरनाक हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। आज एक न्यूज आया, यह भी मैं पहले बता चुका हूं आपको, यूके यूनाइटेड किंगडम मींस इंग्लैंड ऐसा बड़ा, एक बहुत बड़ा परीक्षण कर रहा है जो उसकी एटमिक, एक तरह से आप कह सकते हो न्यूक्लियर मिसाइल होगी, बैलिस्टिक मिसाइल जो बहुत उन्नत होगी, उन्नत किस्म की होगी, आई थिंक D5 या ऐसा कुछ उसका नाम है, पूरा नाम आप देख सकते हो उसको जाके गूगल पे, तो वो करने वाला है। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको वीडियोज में कि कई देश ऐसा करने वाले हैं, यूके नंबर 1 पे है थ्रेट में, ये भी सब कुछ दे चुका हूं। तो यूके, फ्रांस, अमेरिका और रूस और नॉर्थ कोरिया, ये तो सब करेंगे ही करेंगे परीक्षण, साथ ही चाइना पीछे नहीं रहने वाला, वो भी कुछ परीक्षण करने वाला है। तो जितने भी कहने का मतलब देश हैं जो उस लायक हैं, सब परीक्षण करने जा रहे हैं, सब लगातार हथियार बनाने में लगे हुए हैं, एक से एक उन्नत हथियार बनाने में, एक से दूसरे को मात देने के लिए। तो आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में लगातार ऐसे परीक्षण हो रहे हैं, क्योंकि अब उनका एक ही मोटो है, युद्ध युद्ध युद्ध, शमशान घाट बनाना है अपने जो भी है एनिमीज, अपने जो भी हैं प्रतिद्वंदी, उनको इस तरह की उनके मन में एक विचार श्रृंखला चल रही है। नंबर 4, चौथा पॉइंट ध्यान रखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लगातार तैयारियां चल रही हैं, दोनों अपने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना रहे हैं और किसी भी दिन आप देखेंगे यहां पर दोबारा से ऐसी परिस्थितियां होने वाली हैं कि जहां युद्ध भड़कने की पूरी संभावनाएं हैं। फिफ्थ पॉइंट, चाइना ताइवान, चाइना एक अच्छे अवसर की तलाश में है और वो अवसर उसको जल्दी मिलेगा। मैं आपको उसका पहले बता चुका हूं कि चाइना एक अच्छी तलाश में है अमेरिका को कई जगह अटका के, और फिर वो ये काम करने वाला है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि दुनिया में हर तरफ अस्थिरता है, बुरा हाल है, युद्ध है, और ये फरवरी और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा ऐसी घटनाएं, अभी तो 3 फरवरी हुई है, कितनी घटनाएं हो गई हैं, और आप नोट करते रहिए रोज की रोज, क्योंकि हर घटना को मैं भी कवर नहीं कर सकता हूं, लेकिन हां यहां परिस्थितियां बहुत विपरीत होने वाली हैं। यूक्रेन में और महातबाही आने वाली है, कोई बहुत बड़े हथियार का प्रयोग किया जा सकता है रूस के द्वारा, साथ ही साथ जो यूक्रेन को हथियार मिले हैं उससे वो रूस के अंदर तक जाके आक्रमण करेगा, रूस को और ज्यादा विचलित करेगा, क्योंकि इस समय यही चाहता है नाटो, यही चाहता है यूक्रेन कि और ज्यादा इसको विचलित किया जाए और इंस्टिगेट किया जाए, जिससे कि कोई बड़ा हथियार यूज करे या किसी नाटो के कंट्री पर ये आक्रमण कर दे और फिर सीधा नाटो वर्सेस रूस हो जाए, क्योंकि यूक्रेन की परिस्थितियां बची नहीं है, लाखों लाख सैनिक मारे गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, जितने भी वहां पावर स्टेशन हैं, जितने भी वहां और जो सिस्टम्स हैं ऑलमोस्ट बर्बादी की स्थिति में पहुंच गए हैं। इसलिए अब जो हथियार, ये लास्ट जिसको कहते हो, ये लास्ट उसको एक तरह जीवन देने की कोशिश की जा रही है हथियार देके कि अंदर तक मार करो, F-16 का भी वो अब यूज कर पाएगा, आगे अभी देखेंगे आप, जिससे कि रूस किसी तरह, रूस वर्सेस नाटो हो और फिर एक विशाल रूस के अगेंस्ट क्रिया की जाए और रूस को पराजित किया जाए, जिससे ये युद्ध भी जल्दी समाप्त हो और रूस का ये बल समाप्त किया जाए। तो ये सब परिस्थितियां चल रही हैं, यहां रुकने वाली परिस्थिति नहीं है, कहीं से कोई रिस्पाइट नहीं है, युद्ध रुकने की कोई परिस्थितियां नहीं है। आपको लगातार मैं वीडियोस देता रहूंगा, स्थितियां डिटेरियोरेट होने वाली हैं और खराब होने वाली हैं, और ये 22 फरवरी तक आप देखेंगे और विचलित करने वाली परिस्थितियां हैं, और 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में कुछ बड़े आघात होंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज्यादा बड़े कोई आपको घटना चक्र सामने आएंगे
ऐसा मुझे विदित हो रहा है। तो पूरा का पूरा फैब बहुत खतरनाक है, इसमें ज्यादा विकरालता दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स इसमें इतना ही, अगले वीडियो में मैं और कई इवेंट्स जो है साथ साथ शामिल करता जाऊंगा। आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करिए ईश्वर से चीजें ज्यादा ज्यादा खराब ना हो, इतनी खराब ना हो कि मानवता सिसके उस पर और उसकी सिसकियां सुनने वाला भी कोई ना बचे। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही हम आपको देंगे, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।